जो स्कूल प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी जैसे वो तो बहुत आसान काम है, जब हम सरकार से काम करा रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत आसान है। तो अभी हमने एक नया टूल बनाया है कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मतलब जिनसे आप काम ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, रेस्टोरेंट है, होटल है, वो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ काम देने से पहले वो इंश्योर करे कि सबको पीएफ का बेनिफिट मिल रहा है। ये हमने, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में सबको चला गया, मेल चला गया है। और बताएं बस इस पर अगर आपने कर दिया है, इसको इंश्योर करना है। हाँ, बस मेरा वो हम इंश्योर करेंगे, इसको इंश्योर करेंगे, बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी। उससे क्या होगा कि हम लोग से जो भी होगा वो वहाँ पे जो रजिस्टर्ड एजेंसीज जैसे गवर्नमेंट में जिनके पास पीएफ ईएसआईसी होता है वही टेंडर डाल सकते हैं, वैसे ही प्राइवेट में भी होगा तो हम लोग ऑलरेडी उस लायबिलिटी को फिर कंप्लीट कर लेंगे। नहीं नहीं, हम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट तक तो पहुंच चुके हैं जी, और जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वहां भी मैंने बताया, अभी मैंने सबको लिखा है, मेल गया है, इसको थोड़ा सा और एक बार रिमाइंड कराते हैं क्योंकि मुझे आए हुए भी 3 महीना हुआ है सिर्फ, थोड़ा सा समय मुझे चाहिए और आई होप विद इन थोड़े और दिनों के बाद चीजें बेहतर होंगी, ये मेरा आश्वासन है। धन्यवाद। अभी आज की तारीख में आप देखिए जो जीएसटी है, सर पहले आज से 5 साल पहले जब सर्विस टैक्स होता था, एक जमाने में सर्विस लायबिलिटी वॉज 100% ऑन अस। जब मालूम पड़ा, जो आपने जिक्र किया कि कई एजेंसियों ने शायद नहीं पे किया होगा, तो गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया, 50-50 किया, फिर 25-75 किया, और आज की तारीख में पूरा जीएसटी पे करने की लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉय की है। क्या पीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉय को दी जा सकती है? तो जितने ठेकेदार हम लोग हैं, जो छोटे मोटे हैं, जो लेट पेमेंट हो रहा है, जो एक समस्या मैंने आपके सामने रखी, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे ही नहीं कर रहा है हम लोग को 6-6 महीने तक, तो अगर वो जीएसटी, जिस तरह जीएसटी आज की तारीख में जीएसटी हमारी लायबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ बिल में नीचे रखते हैं एजेंसी का इतना जीएसटी एट रेट ऑफ 18% टू बी पेड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, दैट्स ऑल। कैन सर दिस पॉइंट बी इंप्लीमेंटेड फॉर पीएफ आल्सो, दैट पीएफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आर मेड रिस्पॉन्सिबल, सो देयरफॉर देयर इज अ वन लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज एलिमिनेटेड। लेट पेमेंट बाय द पीएसयू और द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, इफ देयर इज अ डिले दे विल पे द लायबिलिटी ऑल्सो, बट वेन एवर दे पे आफ्टर 6 months दे नेवर पे अस द लायबिलिटी, द वॉट एवर इज लेविड बाय द PF department on the contractor for delay payment of the PSR. So can this be examined in the this light? Yeah, I'll see to it. कोई issue नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि principal employer responsible है अपने सारे dues देने के लिए और उसको हम बाध्य करते हैं। कोई इस तरह का incident आता है तो हमारे आप संज्ञान में लाएं। जब भी आता है कोई कार्रवाई की जहाँ तक बात है, मैं जरूर करूँगा। अपने सारे कमिश्नर्स को मैं मतलब आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में सारे कमिश्नर्स को यह आदेश जाएगा कि आप इंश्योर करें कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए आपका कार्य कर देखें। ठीक, नहीं कल्पित तो मत कहिए, आप काम आप उन्हीं से तो ले रहे हो, कल्पित कहाँ से होगा? काम आप करो, काम वो दे रहे हैं, कल्पित नहीं है। देखिए देखिए, कल्पित मत कहिए, सरकार कल्पित नहीं हो सकती, मेक इट अ पॉइंट, नहीं कल्पित नहीं हो सकती, कहीं कुछ कमी है अगर उसको ठीक किया जा सकता है, कमी है ठीक करें हम। और आपका धन्यवाद, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मुझे भी भूख लगी हुई, लंच करना है सुबह से। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। आप सब लोग आमंत्रित हैं, किसी भी परेशानी के लिए डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। श्री किशन सूर्यवंशी सर जी का कि बोले भारत माता की, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय मेहरा साहब, सम्मानित मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ जन, प्रिय मित्रों, भाइयों,
मेरा सीधे तौर पे सुरक्षा से कोई संबंध नहीं, पर आपके सचिव का आग्रह था कि मैं आऊं, तो मैंने उनके निवेदन पर स्वीकार करते हुए आया। आपको सुरक्षा दिवस के संबंध में शुभकामनाएं। अभी नियम कायदों की बात हो रही थी तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि 6-6 महीने कई बार भुगतान नहीं होता, तो फिर देनदारियों के प्रति एजेंसी जिम्मेदार कैसे हो सकती है। इसमें श्रम आयुक्त का शायद एक पत्र है, उनका एक जवाब है, आदेश है सॉरी, कि 1 तारीख तक संबंधित एजेंसियां सुरक्षा एजेंसियों का भुगतान करें ताकि 3 तारीख के आसपास एम्प्लॉयर को भुगतान हो जाए, जो एम्प्लॉय है। मगर उसका मुझे लगता है कि सर ठीक से पालन नहीं हो पा रहा। अगर सर इस पे थोड़ा हो जाएगा कि समय पे सुरक्षा एजेंसियों का भुगतान हो जाए ताकि समय पे ही उनके कर्मचारी सुरक्षा गार्डों का भुगतान हो सके, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बनाने से बनती है। और अभी आदरणीय मेहरा साहब जिस प्रकार से बता रहे थे कि 10 लाख के आसपास सुरक्षा गार्ड मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है और 80,000 का ही पीएफ भरता है, तो ये भी चिंताजनक बात है। पर एजेंसियों को समय पर भुगतान होगा तो मुझे लगता है कि एजेंसियां भी समय पर उनके पीएफ और ईएसआई वगैरह सारे भुगतान करेगी। आप सब सुरक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छा ये सेक्टर रोजगार का बड़ा माध्यम बनेगा। निश्चित रूप से आप सब उसके लिए एक बड़े हिस्सेदार होंगे इस क्षेत्र के। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। प्रमाण पत्र वितरण और ट्रॉफी वितरण मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा, तो संचालकों के नाम लिए जाएंगे और एजेंसी का नाम लिया जाएगा। और ये सिक्योरिटी एजेंसी के ऑनर से चाहूंगा कि वो यहीं पे उपस्थित रहें और सभी को सम्मानित करते समय तालियों से उनकी गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। तो आमंत्रित करना चाहूंगा श्री नीरज सिंह जी का, श्री आर के द्विवेदी जी काम धेनु काम सिक्योरिटी सर्विस इंदौर, ओपी द्विवेदी जी, श्री आर के द्विवेदी जी काम धेनु सिक्योरिटी सर्विस, शायदा बानो रिलायबल सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्रीमती शायदा बानो रिलायबल सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री सुभाष अय्यर डीएसएस सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्रीमती शायदा बानो, श्री सुभाष अय्यर डीएसएस सिक्योरिटी सर्विस, श्री के पांडे कृष्णा सिक्योरिटी सर्विस, श्री के पांडे कृष्णा सिक्योरिटी सर्विस, श्री प्रभंजन सिंह बघेल लायन सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री प्रभंजन सिंह बघेल लायन सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री प्रभंजन सिंह बघेल, श्री अखिलेश पांडे जय हिंद सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री अखिलेश पांडे जय हिंद सिक्योरिटी सर्विस भोपाल। आमंत्रित करना चाहूंगा, ये सम्मान है कोरोना वॉरियर्स के लिए जिन्होंने कोरोना काल में डट कर तन और मन से सुरक्षा दी। श्री सुनील नागर जी आनंदी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, श्री सुनील नागर जी आनंदी सिक्योरिटी सर्विस, आशीष द्विवेदी जी सीडीओ सिक्योरिटी भोपाल, श्री आशीष द्विवेदी जी, श्री पवन खरे जी अल्फा सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विस कटनी, श्री पवन खरे जी अल्फा सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विस कटनी, श्री राजेश इंदौरिया जी श्रद्धा सिक्योरिटी भोपाल, श्री राजेश इंदौरिया जी श्रद्धा सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, जोरदार तालियों से स्वागत। कोरोना काल में बहुत ही मेहनत की है सभी ने। श्री सिद्धार्थ मेघवाल जी मेघवाल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, श्री सिद्धार्थ मेघवाल जी मेघवाल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भोपाल,
श्रीमती सीमा इंदौरिया सदगुरु सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्रीमती सीमा इंदौरिया सदगुरु सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री संजू कुरील नेंसी सिक्योरिटी भोपाल, श्री संजू कुरील जी नेंसी सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री हेम बाबू सिंह राजपूत मंजू सिक्योरिटी सर्विस छिंदवाड़ा, श्री हेम बाबू सिंह राजपूत मंजू सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री बाल मुकुंद मेघवाल जी सिद्धार्थ सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री बाल मुकुंद मेघवाल जी सिद्धार्थ सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, जोरदार तालियां, श्री ओपी इंदौरिया जी इंदौरिया सिक्योरिटी फोर्स भोपाल, श्री ओपी इंदौरिया जी श्री बाल मुकुंद मेघवाल जी हैं और अब आएंगे श्री ओपी इंदौरिया जी इंदौरिया सिक्योरिटी फोर्स भोपाल, श्री ओपी इंदौरिया जी, श्री क्यू एम नावेद सर जी MDHD फोर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, श्री क्यू एम नावेद सर जी MDHD फोर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, श्रीनिवास पांडे जी पासोवा के अध्यक्ष युवा शक्ति सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री प्रद्युम्न हरने जी श्री जोड़िएक एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस भोपाल, श्री प्रद्युम्न हरने जी हमारे सचिव जी, और साथ में मैं विजय गुप्ता एसओटी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी का, प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और सभी का सहयोग के साथ संगठन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता है और सभी के सहयोग से आपका स्वागत किया जाए। सर आगे बोलिए। पंकज शर्मा सर सेक्रेटरी आयुष और उनका स्वागत करेंगे श्री क्यू एम नावेद अंसारी सर जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, हमारे बीच है पंकज शर्मा सर जी सेक्रेटरी आयुष विभाग मध्य प्रदेश। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री ओपी इंदौरिया जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सभी लोगों का एसोसिएशन की ओर से सभी लोगों ने इतना समय दिया और इतना सफल कार्यक्रम में बनाने में सभी लोगों ने अपनी इतनी विशेष रूप से अपनी अपनी परियोजनाओं के साथ साथ में जो अपने ज्ञान की वर्धे और ज्ञान के साथ साथ अनुभव प्रदान किया अधिकारी वर्गों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी साथ में लंच का भी समय हो चुका है, थोड़ा सा कार्यक्रम अधिक समय ले लिए हैं, परंतु अब सभी अतिथिगणों से विशेष निवेदन है कि भोजन लंच का टाइम है तो लंच करके ही जाएं और अतिथिगण भी हमारे सब भोजन के लिए प्रस्थान करें और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई हो और आगे भी ऐसे कार्यक्रम निष्पादित होते रहेंगे जिससे कि सभी लोग इसका आनंद ले सकें और सभी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें और एसोसिएशन के माध्यम से अभी सभी समस्याओं का समाधान हो। और इसी के साथ साथ में कार्यक्रम की समापन मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि पीएम कमिश्नर सर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सम्मान करते हुए हमारे सचिव श्री प्रद्युम्न हरने जी सम्मान करते हुए श्रीमती किशन सूर्यवंशी जी का सम्मान श्री नीरज सिंह जी द्वारा बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एमके त्यागी सर जी का सम्मान ओपी इंदौरिया सर जी द्वारा एमके त्यागी सर जी का श्री जगदीश गुलिया सर जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री पंकज शर्मा सर जी का सेक्रेटरी आयुष विभाग का स्वागत श्री सुनील नागर जी द्वारा
श्री सुनील नारा जी द्वारा। और मैं श्री प्रशांत महाडे जी सर का स्वागत है जो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के, और शैलेंद्र पांडे सर जी द्वारा उनका स्वागत वंदन और अभिनंदन सभी द्वारा एक ग्रुप फोटो लेते हुए मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के साथ सभी लोग कार्यकर्ती